शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आज मेरे हर एक बच्चों को, हर एक मसीह भाई बहन जन को आप आशीष देने वाले हैं पिता, उनको छूने वाले हैं, उन्हें बरकत और आप उनके घर को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपकी महिमा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आपके बेटे और बेटियां आपके बच्चे हैं पिता, वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं पिता कि आप उनको देख रेख करेंगे और उनको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएंगे पिता, ताकि वो चल करके अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी नागरिक बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वो आप सामर्थ्य देते हैं, वो आप ताकत देने वाले हैं पिता, आप उनको संभालने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस खुदा पर आज हम बिलीव करते हैं, जिस खुदा पर आज हम विश्वास करते हैं, उसी खुदा ने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत प्रेम से समझाता है और सिखाता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, दिक्कतें हों, चिंताएं हों, मुसीबतें हैं, लेकिन हमें खुदा ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत और अध्याय एक और वचन नंबर दो में लिखा है, मेरे प्रियो सभी के लिए वचन उत्तम है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत आपको आशीष देगा। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपके बच्चों को, आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर आपके जीवन की किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं टूटने देगा। आज आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो खुदा आपको कहता है कि अपने आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला हूं और मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हूं और तुझे मैं हर एक चीज़ से परिपूर्ण करूँगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन तो दे दिया, श्वासें दे दी, परमेश्वर ने हमें पाल पोष करके बड़ा भी कर दिया, लेकिन आज हम परमेश्वर से ही बलवा करते हैं। कैसे बलवा करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमें देगा। क्या परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, यदि वो मुझसे नम्र और निवेदन से प्रार्थना करते तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे संसार में लोग हैं कि खुदा मेरी बीमारी को ठीक कर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते हैं आप, परमेश्वर ने तो आपको ज्ञान बुद्धि और समझ दिया है, क्यों नहीं जानते हैं आप? आप खुदा से कहिए, नम्र और निवेदन से कहिए कि पिता मैं जानता हूँ तू मुझे चंगाई करेगा, मुझे बीमारी से, मुझे हर एक हालातों से बचाएगा पिता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। यदि जिस दिन आपने अपने मन में नम्रता लाई, अपने जुबान में, अपने जो आप बोलते हैं, जो आपका वचन मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर के दिल में लगता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की आत्मा को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी। क्या आपने पिता से आप ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी तरीके, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देना कि हे पिता मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी बीमारी को ठीक कर, जैसे आप परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हो, इस तरीके से आप कहते हैं। मैं प्रियो, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर से आप हमेशा नम्र और निवेदन और सहनशीलता के द्वारा ही परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज वो मुझसे बलवा करते हैं, आज वो गलत कामों को कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये सब परमेश्वर के प्रति गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये भी कहा था, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है,
परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज वो मुझे नहीं पहचानती। एक मान लीजिए, जैसे परमेश्वर ने उदाहरण यहाँ पे दिया हमको समझाने के लिए कि जो बैल होता है वो अपनी मालिक के चरनी को पहचानता है कि मुझे चारा कहाँ मिलेगा, और वो जा करके वहीं रुकता है। तो आज हम क्यों नहीं रुकते हैं परमेश्वर के वचन से, क्यों नहीं प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि हमें सब ये बकवास लगता है सुनने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, ये बकवास नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन है। यदि इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। बहुत मसीह भाई बहन जिनके पास समय ही नहीं है, जिसके पास समय नहीं है वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलेगा, उत्तर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके मन में पहले से उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं, मैं केवल कमेंट कर दूंगा और बता दूंगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे और मैं भला चंगा हो जाऊंगा, कब तक दूसरे के भरोसे आप रहेंगे? ये परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो आपको मजबूत होना है, आप खुद अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। किसी भी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर आज जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मालिक जो होता है, जो संसार के लोग होते हैं, आप सोचिए आपके घर में कोई भी जानवर हो सकता है, वो आपको पहचानता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उसके कलाम को नहीं जानते हैं, उसकी आयत को नहीं जानते हैं, उसका वचन क्या कहता है ये नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से हर एक चीज़ को नियम के अनुसार ठहराया है, आप देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जितना कुछ आप इस सृष्टि पर देखते हैं, सब परमेश्वर ने समय पर उसको स्थिर किया है। तो आज परमेश्वर ने हमें भी तो स्थिर किया है कि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम करें, प्यार करें, उसके वचन को सुनें। आज हम क्यों नहीं करते हैं? क्या सूर्य कभी निकलने में लेट करता है? नहीं करता है। क्या चंद्रमा कभी निकलने में लेट करते हैं? नहीं करते हैं। जो परमेश्वर ने नियम के अनुसार ठहराया है वो अपने कार्य को अच्छे रीति से कर रहे हैं, समय के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना को टाल देते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। मेरे प्रियो, आज नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कल नहीं तुम आज करो। इसीलिए आज से आपको विश्वास रखना है खुदा के वचन पर, बिलीव करना है, भरोसा रखना है कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप इन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि खुदा के वचन को हमें बड़े नम्र के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, हमें विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना है। हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो आज एक जानवर होकर के अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर के हम अपने पिता को नहीं जानते हैं, तो आज हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इसीलिए बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि जो परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अच्छी बात है। वो अच्छे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर के सतर्क रहते हैं कि हमें कब सुनने को मिले, कब हमें सीखने को मिले, कितना हमें वचन देखने को मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास कोई काम बहुत इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्तार हो, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके समय हो आपके पास, तब तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब तो परमेश्वर के वचन को सुनें, तब तो आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें कि खुदा आपको जीवन देता है। यदि आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया है, यदि इस बात पे आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, वो शैतान भी नहीं रोक सकता जो आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत लाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना खुदा के वचन पर, उसकी आयत पर, कि परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है, तुम अपने वचनों से नहीं, अपने मुँह के वचनों से प्रेम करो जो आपके मुँह से निकलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने मन की रक्षा कर, तब तेरा जीवन में प्रतिफल आएगा। यदि आज हमने जुबान को, अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को हम कैसे सुधार सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तुमने नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे, तो मैं तुमको
मुख फेर लूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा और ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, तुम्हारे मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हर एक सोच खून से भरे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमें आज से संकल्प करना है कि खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे, हर एक अपराध और गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगे पिता, नम्र और निवेदन है पिता। इसीलिए परमेश्वर हमारी जीवन में भलाई को देखना चाहता है, परमेश्वर हमें कभी भी बुरा काम करते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, उसके अंदर एक भी परसेंट किसी प्रकार का पाप नहीं है मेरे प्रियो। तो याद रखना कि परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है तो हमारे अंदर कैसे पाप को देखना पसंद करेगा। तो इस बात को याद रखना कि खुदावंद कहता है, यदि आज आपने गलतियां की हैं और आप सुधरते नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, चाहे तुम रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। यदि आपने आज से ठाना कि नहीं पिता, मैं सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगता हूँ, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखना, प्रार्थना करने से पहले आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में बरकत और आशीष आएंगी। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, जिन मसीह भाई बहनों का मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, प्लीज़ वो लोग बंद कर दें, और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं सच्चे मन से, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने हर एक कामों में बरकत और आशीष को पाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वो लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद हर एक मसीह भाई बहन को नहीं चुनता है, उन्हीं लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के वचन को चुनते हैं। तो मेरे प्रियो, याद रखिए कि खुदा आपके जीवन को, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगिए, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियाँ, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों में पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता हैं परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं, मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से
आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, जब तक मैं इस सृष्टि पर रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके शरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में हर तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज्यादा दुखित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है। तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जीव उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, और ये मेरी हार्दिक इच्छा पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें
आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता, कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन।